No. Because perlite is a very high energy natural input. आपको पता है perlite क्या होता है? जहाँ पर लावा निकलता है ज्वालामुखियों से, उस लावा के उस टेम्परेचर के साथ में कुछ कुछ नेचुरल ग्लास, ग्लास माने शीशा जो बाहर आता है, उसकी वो जो ग्लास के टुकड़े होते हैं, वर्मिक्यूलाइट और परलाइट, ये दोनों उस लावा के प्रोडक्ट्स हैं. वो एनवायरमेंटली इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू रिमूव देम फ्रॉम दी वोल्केनिक साइट्स. पॉइंट वन. पॉइंट टू, इनकी इस तरह से अर्बन इसमें या जो भी आप कहिएगा कन्वेंशनल फार्मिंग इन सब में इसकी डिमांड होने के कारण ये बहुत गलत तरीके से माइनिंग हो रहा है परलाइट और वर्मिक्यूलाइट का, और आपको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की. परलाइट और वर्मिक्यूलाइट कितना महंगा मिलता है, आपको क्यों पैसे खर्च करने जब आपके पास में सूखे पत्ते आपके घर के आसपास फोकट में मिल जाते हैं, आपको फ्री में मिलते हैं. क्यों चाहिए आपको परलाइट और वर्मिक्यूलाइट? परलाइट और वर्मिक्यूलाइट कुछ मिनरल्स, कुछ वैल्यू भी नहीं देते. गार्डनिंग में आपको याद होगा, मैं हरदम कहती हूँ आप कोई भी चीज़ यूज़ करिएगा उससे कम से कम 2 से 3 फंक्शंस आपके सॉल्व होने चाहिए, 2 से 3 फंक्शंस आपको मिलने चाहिए. सूखे पत्ते कार्बन भी देते हैं, सूखे पत्ते मॉइस्चर भी होल्ड करते हैं, सूखे पत्ते मिट्टी को भी भुरभुरी करते हैं. परलाइट और वर्मिक्यूलाइट सिर्फ मिट्टी को भुरभुरी करते हैं, बाकी और कोई फंक्शन नहीं करते हैं, और वो आपके पत्तों से 10 गुना महंगे हैं. सो इसमें नहीं.